Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 12, which is based on unit 5, exponent exercise 5, question number 4. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ रैशनल नंबर. हमें इसको जो नंबर दिया हुआ है 27/125, हमने इसको पावर में लेके आना है, यानी एक्सपोनेंट्स में लेके आना है. अब 27/125 मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले फैक्टर कर लेता हूं 27 के. 27 को मैं कर रहा हूं 3, 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3, कितने बन गए 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 इसके बन गए अपन वैल्यू 3 3 are 9 3 3 are 27. इसी तरह 125 क्या, 125 5 25 are 125 5 5 are 25 5 1 are 5, फैक्टर बना लिया मैंने 5 multiply by 5 multiply by 5, 3 3s 3 5s, एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर की पावर में लेके आना है, इन सब की पावर 1 1 1, इसकी भी 5 की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं. 3 की पावर 1 1 1 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, नीचे भी 5 raised power 1 2 3, 5 raised power 3 हमारे पास आ जाएगी. दोनों की देखिए बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको 3/5 raised to power 3 लिख सकते हैं, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, 3/5 raised to power 3. मैं रिपीट कर देता हूं आपको, इसको क्या करना है, आपने रैशनल नंबर को पावर की फॉर्म में लिख के लिखना है. हमारे पास नंबर जो दिया हुआ 27/125, मैं क्या किया उसको फैक्टराइज किया, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 3 5 3 3s, 3 5 3 3s. अब मैं पावर दा, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हुए 1 2 3, बेसिस आर सेम, पावर इज एड, 1 2 3, पावर एड की 3 आ गया, नीचे 5 पावर 1 1 1, 3 टाइम एड की 5 पावर 3 आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास था वो क्या था, जब आपके पास बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम एक पावर के ऊपर उसको लिख सकते हैं, 3/5 raised to power 3, ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा पावर की फॉर्म में, रैशनल नंबर को हमने लिख दिया. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, हमने पावर की फॉर्म में लिखना है 144/81. अब इनका स्क्वायर रूट ले, हम स्क्वायर लेते हैं इनका, 144 किसका स्क्वायर बनता है, 144 चेक कर लेते हैं, 144 जो स्क्वायर लेते हैं इसका, 144 का अगर मैं इसको लूं तो क्या बनता है, 12 12 144 होता है. तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 12 multiply by 12 is equal to 144, नीचे जो है 81, 12 multiply by 12 होता है 144, देन 9 multiply by 9 is equal to 81, दोनों की पावर बोथ पावर 9 multiply by 9, इसकी पावर आप देखे 1 है 1 है 1 1, 12 power 2 and 9 power 2, ये हमारे पास आ गया. अब बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, अभी मैंने लास्ट पार्ट किया आपके पास, 12/9 की पावर 2 मैं इसको लिख सकता हूं, देख ले दोबारा रिपीट करता हूं, 144/81 इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर किसका, 12 12 144 होता है हमारे पास, 9 9 81 होता है, पावर 2 में आ रही है हमारे पास, देखें 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 पावर 2 आ जाएगा, 9 को 9 से किया 9 9 81 9 की पावर 2 आ गया, हमने क्या करना है पावर में ही लिखना है. तो बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है तो मैं एक पावर में लिख सकता हूं उनको, दोनों की पावर क्या है 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो मैं दोनों 12/9 को एक सेम पावर में इकट्ठा करके लिख सकता हूं, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द पावर ऑफ रैशनल नंबर में थर्ड पार्ट हमारे पास है -64/125. हमने पावर में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पावर में लेके आना है इसको एक्सप्रेस रैशनल नंबर को. तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 64 को, 4 1s are 4 4 6 are 24 4 4 are 16 4 1s are 4, 3 4s आ गए. अब माइनस का साइन है, फिर मैं कहूंगा माइनस के साथ, इसी तरह 125 5 3s आ जाएंगे. अब इनको मैं अगर पावर में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, -4 raised power 3 and 5 raised power 3,
रिपीट कर रहा हूं, 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस 16 4 4 16 4 64 प्लस माइनस माइनस 64 ये हमें चाहिए। तो मैंने 4 4 एंड 4 3 टाइम 4 3 टाइम 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पावर 3 में आ गया। अब बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस 4 ओवर 5 रेज टू पावर 3 इज द आंसर। जी दोस्तों, लेक्चर 12 के आपके पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं नीट एंड क्लीन। यही आपका होम